बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम बहन भाई, उम्मीद करना ठीक ठाक हो। सो जिते रहो खुश रहो, आबाद रहो, मुस्कुराते रहो, तो तुहाडियां दुआवां नाल असीं ठीक ठाक हाँ। शुक्र अल्लाह पाक हर तरह मत करे, हर तंदुरुस्ती देवे, सेहत दे, जिंदगी देवे, तल्ला दे ना लाए के नाज वो तो करने आगाज। रात में बारिश कर दी काफ़ी आई हुई है, तो बालन कोई ना तो बड़ी मुश्किल जहा ना होना, कोई बालन बना के तेन रोटियां पकाइया तो ना ही सालन बना लिया। मेहमान आया पैन मेरे तवेज को पालक तै कोई आलू वे गात के ना, तो मैं आख चलो बिन मेहमान ने रोटी खा ले, तो इस वास्ते रोटियां मैं तंदूर तो पका लिया ने ना सालन बान के। बालन दिखाई काफ़ी बन गई क्योंकि हम थापियां से बड़े अंदर से थापियां बारह छे सुकदियां ने तो पीदिया भी ने, तला पा आराम करे से जहाँ बहन बिरा रोटी खावनी हो जी बेस मिला साढ़े को आख तंदूर की रोटी खा सकता। हाँ वेखो तंदूर की रोटियां तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतना भी अल्लाह पाक हर तरह मत करे। माशाल्लाह दरबार दे वेखे खूबसूरती माशाल्लाह असीं मेले ते आए हाँ ते दरबार ते पहुंचे हाँ, ते हुण तुहानूं अगे विखाने हाँ वी इह रात नूं मंदर वेखो माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि रात नूं मिलाद शरीफ भी है, तुहानूं मिलाद भी खा रहे हाँ। आ वेखो कितनी सजावट बनी हुई है, आ भाई होरां दे नाल काफ़ी सजावट भी आंदी बनाई है, क्योंकि आ दरबार शरीफ तो तुहानूं अगे विखाया है, आ सजावट है इन्हें भी। आ वेखो माशाल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं आखा भी भैन भरावान नाल जरा ना विखा लीए। तो ज़्यादा जड़ा है ना सिंगरी अगर मस्जिद पाक दी है उनकी सिंगरी तुम भैन भाइयों ने विखाइने आ साइड ते मच्छे दे दरबार दे नाल ही। मेला बहुत लगा कवाली माशाल्लाह शुरू हो गई है तुम दसने भैन भरावान अगर रिक्वेस्ट यही कर रहा हाँ, क्योंकि मैं इस पहले भी कई बार रिक्वेस्ट की है, पहले तो मेरे खास करके मेरे यूट्यूब पर जो भाई बैठे ने, क्योंकि जो ही चैनल बनाता है हर बंदा इंसान अपनी मजबूरी के तहत बनाता है। मैं भैन भरावान अगे ये रिक्वेस्ट बार बार करता पाया, क्योंकि अपनी मुसलमानी के तरीके जे असी एक दूए को लाइक कमेंट करिए तो मैं यकीन दिल से करना हूँ मैं ना हो नहीं सकता जो नाली असी वायरल ना हो जाइए, क्योंकि असी बस लाइक कमेंट जो करने ने अब तो वेखनी नहीं है, जे वेखनी है तो उन्होंने लाइक नहीं करना यार। इस चीज़ की बहुत मदद मैं चाहना भाइयों तो
बड़ा मेहरबानी मतलब क्योंकि घर के हालात के मुताबिक तुम्हें मैं कई बार विखाया कि मेरे हालात इस किस्म के ने भी आ दीवार तो वेख रहे हैं दीवार तोड़ता है तो मैं आए तुम दीवार विखा रहा क्योंकि कच्ची है उस तो बाद जो तुम छप्पर बना के विखाया होया वह भी कच्चा है क्योंकि एक मकान जो ना बिल्कुल जड़ा ना वो पक्का है मैं तुम अंदरों बारों विखाया भी ये पक्का है उनकी भी समझ मेरे तुसा वेख्या होगा कि उनकी भी हालात नहीं है इस वजह तू उनकी हालात किस वजह तू नहीं है टी प्लस्तर नहीं हो छत उनकी मुका पई हुई है तो मेरे वेखने से हिसाब है थोड़े अंदाजे के मुताबिक मैं आना भी इस तरह डंगर का भी जरा अजकल जो लोग रखे हुए हैं वो डंगर का भी मतलब बेहतर कोई छप्पर या डारा वगैरह बनाया होगा जेडे साडे कमरे की हालात है उस तो बाद अगे मैं असर विखाया है तो अगे की हालात है हाँ जी कराना से घर आ गया से लिखवा कराना होना ही है मैं पहले आ गया से हाँ जी उस तो बाद कराना हूँ कड़ा करता वगैरह सफाई करती है हाँ जी घड़ा नाल मम्मी कही हुई है कल क्यों तो कोई राशन मुका से थोड़ा बहुत लगन कहिए घर दवाई जोगी पैसे आने के क्योंकि जिम्मे दुआ बच्चा वेंद सानू ला चलो मुड़ ना इकबाल इन्हों लाया गया तो ना लाया दी कोई मिठाई वगैरह खिडावने तो असं लाए नहीं क्योंकि साढ़े को पैसे नहीं है खिडावने के ला देने तो मैं ना साढ़े तो अस वेंद पतीली जी अस चाह बनी अस क्यों दोनों तो गाल लत हो दो बांडे होर भी आज जिम्मे बन्ने टुटते हुए वो मैं देख ना जो मेहमान आंता तो बर्तन किसी को लेंदी अस कोई ना चाह पकावन वास्ते इस वास्ते ना मैं एक सगली ला आँदी है तो ना दो गिलास लेंदे मैं चलो कोई आ वागे जाता तो बंदा ना किसी घर के हालात का की पता होंगे तो अगले आंदा सारे लू ही हो पाए ने तो भाई अगर घर के हालात यही है क्योंकि मेहनत साढ़े को आँदी नहीं क्योंकि इकबाल को भी नहीं होंगी तो मेरे भी ना पट्ठे दराज वास्ते मेरे को भी नहीं होंगी भाई तला पाक कराम करे सो तला पाक हारत मत करे तो बिलाल तो असं इतने छाड़ मैं ही घरे बिलाल ही घरे आ तो क्योंकि इनू ला जा मुड़े इतने पाद ना माशाला व्डा सारा है तो चमदा नहीं इकबाल बाद टुटे तो इतने ना सफर बेच नहीं चमदा भी मेरे चला के इनू टुरे फिरे तो लेकिन ना समझ इन सारी इन पिछ हाल हाल है भी मैनू भी ला जा मैं तो मुड़ ना चवी वे तो की कर सकने तला पाक हर बच्चा तरह मत करे हर तंदुरुस्त देवे सेहत देवे जिंदगी देवे तो मेरा भी वीडियो एक बना आँदी है इन्हें तो अला पाक हर तरह मत करे सी तो असं भैया भाई दुआई करेने तो अला पाक ना किसी के सदक ना साढ़े बिलाल तो भी रहमत करे तो ना बारह शाही तो माशाला वेख लो भी झाड़ियाँ जड़िया ने ना कितनिया खूबसूरत लगदिया पे ते बारा शनार ना हर फसल के दरखत हर शाह भी नहीं सोहनी हरी हरी लगती है ते अल्लाह पाक दा ना शुक्र है अल्लाह पाक हर तरह मत करे हर तंदुरुस्ती देवे ते रिक्वेस्ट आई गया भैणा भाइयों को भी साड़ी वीडियो ने शुरू तो आखिर तक वेख के करो लाइक किया करो कमेंट किया करो शेयर किया करो ते आज दे लोग ते इत्थे भैणा भाइयों को लैने इजाजत अल्लाह हाफिज़।